हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं फरेरो रोशियर चॉकलेट मूज की रेसिपी। मार्केट में अगर आप ये लेने जाएंगे ना तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। हमने बनाया है बिल्कुल मार्केट स्टाइल, वो भी बहुत सस्ते में। तो देखते हैं यह टेस्टी फरेरो रोशियर चॉकलेट मूज किस तरीके से बनाया जाता है, जो सभी को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक बोल और इसमें हम डाल देंगे ये एक कप व्हिप्ड क्रीम। जो केक में क्रीम यूज होती है ना, मैं उस क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, आप उसे किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट करेंगे। बीट करने से जो हमारी क्रीम है उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हमने इस तरीके से इसको व्हिप कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। अब हम इसको साइड से रखते हैं, हम करते हैं आगे की तैयारी। हमने यहाँ पर लिए हैं ये फरेरो रोशियर और मैंने यहाँ पे ये चार फरेरो रोशियर लिए हैं, जिसमें से मैं दो क्रम्बल करूँगी और दो को मैं पीसीज में कट कर लूँगी। तो हमने इनका ये छिलका उतार लिया है और जिसे हम अदरक कूटते हैं ना, बस उसी से हमें इस तरीके से फरेरो रोशियर के टुकड़े कर लेने हैं। इसे हम व्हिप क्रीम में डालेंगे, इससे जो एक एक बाइट है ना उसमें इनका टेस्ट आने वाला है। इस तरीके से हाथों से छोटे टुकड़े कर लेंगे और एक बोल में हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के जो दो हैं उनको हम नाइफ से इस तरीके से कट करेंगे और यह बाद में गार्निशिंग में काम आएंगे। इनको भी हम साइड से रख देते हैं। अब हमने जो क्रीम को व्हिप कर रखा है ना, उसे हम वाइपिंग बैग में डाल देंगे, इससे जो रेसिपी है आसानी से बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर ग्लास लिया है, वाइपिंग बैग लिया है और जो हमने क्रीम को व्हिप किया है हम इस तरीके से पाइपिंग बैग में डाल देंगे। मैं यहाँ पर ये स्टार नोजल ले रही हूँ, आप इस पर कोई भी नोजल ले सकते हैं। इसको भी हम साइड से रख देंगे और बाकी की जो क्रीम बची हुई है ना, इसमें हम ये एक से डेढ़ चम्मच के करीब कंडेंस मिल्क डाल देंगे। ज़्यादा ना डालें क्योंकि जो क्रीम है वह अपने आप में भी काफ़ी मीठी होती है। और एक से डेढ़ चम्मच के करीब मैं डाल दूँगी इसमें ये चॉकलेट गनाज, और ये मार्केट वाला चॉकलेट गनाज है, आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। मैंने अपनी चॉकलेट मैंगो केक की रेसिपी में चॉकलेट गनाज बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से फिर से व्हिप कर देंगे इस तरीके से, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वह अच्छे से मिक्सअप हो जाने चाहिए। और ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हमने जो फरेरो रोशियर के टुकड़े कट किए थे वह हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। इससे क्या होगा कि जो एक एक बाइट है ना उसमें इनका जो टेस्ट है ना, यकीन मानिए काफ़ी बढ़िया आता है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है लेकिन मुझे ये थोड़ी लूज़ लग रही है, तो मैं क्या करूँगी एक से दो मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख दूँगी, जिसे यह ठंडा हो जाएगा और जो हमारा चॉकलेट मूज है ना वह बहुत टेस्टी बनने वाला है। और आप देख सकते हैं यह पहले से थोड़ा सा टाइट हो गया है, मतलब हमने इसे फ्रीज़र में सेट कर लिया है। इसको भी हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। इसका भी हमने जो पाइपिंग बैग है वह बनाकर तैयार कर लिया है, आगे से कट करेंगे। सारी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, अब हम इसको करते हैं असेंबल। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये गिलास लिया है और मैं इसको इस तरीके से फिल कर दूँगी, राउंड शेप में घुमाते जाएंगे और ऊपर तक हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे। बहुत टेस्टी और मार्केट स्टाइल हमने ये चॉकलेट मूज बनाया है। अगर आपने इसे बना लिया ना तो आप सभी के सामने ये सर्व करना तो ज़रूर प्रेफर करेंगे, क्योंकि बना ही इतना टेस्टी है। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से कर देंगे फिल। देखिए ऊपर तक हमने इसको अच्छे से फिल कर दिया है, एक से दो बार टैप करेंगे जिससे जो इसमें बबल्स हैं वह निकल जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चॉकलेट गनाज, कम से कम लगभग दो से तीन चम्मच के करीब हम इसमें चॉकलेट गनाज डाल देंगे। बिल्कुल ऊपर तक हम इसे अच्छे से कर देंगे फिल, जिससे जो इसका फ्लेवर है ना वह काफ़ी बढ़िया आने वाला है। और हमने जो व्हिप क्रीम का स्टार नोजल का पाइपिंग बैग बनाकर तैयार किया था, उससे हम इस तरीके से स्टार नोजल बना देंगे। आप अपनी चॉइस से इसको किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। इस तरीके से राउंड शेप में घुमाते जाएंगे, हमने इसका स्टार बना लिया है और जो हमने फरेरो रोशियर कट कर ली थी वह हम इस तरीके से गार्निशिंग कर देंगे और थोड़े से हम इस पर फरेरो रोशियर के टुकड़े डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा ये बनकर तैयार हुआ है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना है। और अगर आप इसे मार्केट से लेते हैं ना, ये काफ़ी कॉस्टली बनता है और आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से और कितने कम समय में और कितने कम इंग्रेडिएंट से हमने ये बनाकर तैयार किया है।
जो सभी को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।